दोस्तों, क्या आपका भी उम्र 25 से 40 45 साल के बीच में है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों ऐसे तो इंसान का जो जीवन जो है ना, जन्म लेने से लेकर के मरने तक परिश्रम भरा, मेहनत भरा, पूरी तरह से स्ट्रगल भरा होता है। लेकिन दोस्तों मेन समय मेहनत करने का जो है ना 25 साल से लेकर 40 45 साल तक है। तो इस समय का जो है ना वेस्ट न करते हुए लगातार पूरी फोकस के साथ आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में काम करते हैं, पूरा फोकस के साथ काम कीजिए। इस आशा के साथ ये सोच करके कीजिए कि हमको 40 45 साल की उम्र होते होते तक हमको रिटायर हो जाना है, यानी कि काम से छुटकारा पा लेना है, इतना पैसा कमा लेना है, इतना इनकम कर लेना है कि अगर हम काम ना भी करें फिर भी हमारा दाल रोटी चलता रहे। तो इस माइंड सेट के साथ काम कीजिए और अपने 40 45 साल की उम्र तक रिटायर हो जाइए, चाहे आप सरकारी जॉब हो या ना हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और प्रोफेशन हो, जीरो से स्टार्ट करेंगे फिर भी आपको उसमें सक्सेस पाने के लिए 5 साल लगता है अगर फास्ट में करेंगे तो। लेकिन अगर धीरे धीरे भी अगर लगातार करते रहेंगे तो 5 से 10 साल में आपको सक्सेस मिल जाएगा उस प्रोफेशन, क्योंकि हमने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमने 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों एक प्रोफेशन में काम नहीं किया, बहुत अलग अलग प्रोफेशन में काम किया। इसके वजह से जो है ना हमने जहाँ के तहाँ हैं, लेकिन अगर मैं मेडिटेशन किया, ध्यान लगाने पर हमको पता चला कि अगर मैं एक ही प्रोफेशन में, एक ही काम में अगर मैं 15 साल लगाता तो मुझे सक्सेस जरूर मिल गया रहता 5 साल से 10 साल में। इसलिए दोस्तों 25 साल के से लेकर के और 40 साल की उम्र में जो है ना पूरे फोकस के साथ एक ही काम में, जिस काम को करते हैं उसी काम में दीजिए और पूरी तरह से दिल से दीजिए, तो आपको 40 साल के बाद आपको काम करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर फोकस से अलग हो जाएंगे, यही होगा जो सबके साथ होता है, मरने दम तक काम ख़त्म नहीं होगा, काम पड़ा रहेगा, रोजी रोटी पेट के चलते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप फोकस के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, 25 से 40 साल 45 साल की उम्र के बीच का समय अच्छे से उपयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों 25 से 40 45 साल की उम्र जो होता है ना, नया खून होता है, नया जवानी होता है, नया जोश होता है काम करने का। तो इस समय का वेस्ट नहीं करते हुए अच्छे से उपयोग कीजिए और जो भी काम करते हो उसमें 100% दीजिए। अगर 24 घंटा में आपको 15-16-17 घंटा भी अगर काम करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटिए, क्योंकि ये समय जो है ना नया खून, नया जवानी, नया काम करने का हौसला होता है और पूरी तरह से नया उमंग होता है। तो इसमें आप 8 घंटा के बदला 16 घंटा 15 घंटा भी काम करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अच्छे से अच्छे समय का उपयोग कीजिए 25 से 45 साल के उम्र के बीच का, और फिर देखिए और फोकस के साथ काम कीजिए। आप जब फोकस होंगे ना काम पे तो बहुत सारा परेशानी आएगा, बहुत सारा स्ट्रगल आएगा, इस तरह का आपको परेशानी आएगा, इस तरह का स्ट्रगल करना पड़ेगा कि ऐसा लगेगा आपको कि मेरे बिना वो काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन सबको इग्नोर करते हुए पूरे फोकस के साथ उस काम पे टिके रहना है, लगे रहना है, लगातार करते रहना है, तो आपको उस काम में 5 साल नहीं 10 साल में सक्सेस निश्चित मिलेगा ही मिलेगा, न मिलने का सवाल ही नहीं है अगर आपने दिल से 100% दिया तो। क्योंकि मुझे लगा है ये बात शेयर करना चाहिए, ऐसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से बताने की कोशिश किया हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और 25 से 40-45 साल का उम्र है उसको अच्छे से अच्छे उपयोग कीजिए और जीवन में सफल बनिए। और दोस्तों कंपेयर भी दूसरे से मत कीजिए, खुद से कंपेयर कीजिए, खुद से कंपेयर करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे, और दूसरे से कंपेयर करेंगे तो फिर नीचे जाएंगे। और दूसरे से कंपेयर भी करना चाहिए, क्योंकि खुद से कंपेयर तो कर ही रहे हैं, दूसरे से कंपेयर भी करना चाहिए, लेकिन सोच अलग होना चाहिए। एक जो होता है ना जलन वाला, तो जलन वाला सोच नहीं रखना चाहिए। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको देख करके इस तरह का सोच होना चाहिए कि हम भी उसके तरह बढ़ेंगे, ये नहीं सोच रखना है कि वो बढ़ रहा है तो वो ना बढ़े, मेरे से नीचे रहे, ये हो गया जलन वाला।
तो ये माइंडसेट नहीं रखना है। आप दूसरे को कंपेयर करें, लेकिन इस तरह का कंपेयर करें कि हमको भी उससे आगे निकलना है। वो भी काम कर रहा है ठीक है, लेकिन मैं भी उससे इतना ज़्यादा काम करूँगा कि उससे आगे निकल जाऊँगा। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके खुद को खुद से कंपेयर करें कि इस तरह से कंपेयर करें कि कल हमने इतना बेहतर किया था और अगले दिन कल होकर के क्या करें कि आज से थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो सके। तो इसलिए खुद को और बेहतर बनाने के लिए और खुद को और ऊंचा पर ले जाने के लिए खुद से कंपेयर करें, दूसरों से नहीं। अगर दूसरे से भी करें तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कीजिए तो सही है, निगेटिव माइंडसेट के साथ मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के एक छोटा सा वीडियो को यहीं पे रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता तो लाइक कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।